My name is Nobar Majid. I'm from Chatpala. My school name is GHS Srangdar. I'm studying in class 10th. Alhamdulillah, बहुत अच्छा लगा कि ढाई साल के बाद सेशन स्टार्ट हुआ है. नहीं, ऑफलाइन बहुत ज़्यादा बेहतर है. ऑनलाइन में हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे और जो हमारे मतलब स्टूडेंट के साथ अट्रैक्शन होती है वो भी अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं थी और जो हमारे डाउट्स हैं वो तो बिल्कुल क्लियर नहीं होते. उस तरह से नहीं पढ़ पाते थे जैसे मतलब हमें स्कूल में क्लास में देते हैं होमवर्क आप कम्प्लीट करो. लेकिन माय नेम इज़ हिना कुरैशी. आई एम फ्रॉम कंडी. आई रीड इन क्लास 9th. मुझे बहुत अच्छा लगा ढाई साल के बाद स्कूल खुले और हमारे नए नए फ्रेंड्स बनी, टीचर्स भी हैं यहाँ पे. और फरहाना नबी. आई एम इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल टंगडार. हम रहते हैं यहाँ पे, ये एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे कभी फायर चलते हैं, कभी अब कोविड आ गया था उसकी वजह से हम सब की पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खलल आया, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ है जो हमारा मिस हो गया, काफ़ी कुछ हम नहीं सीख पाए. अब मुझे उम्मीद है कि इस साल ये पूरा साल हमारा स्कूल खुला रहेगा और हम काफ़ी कुछ जो हमने नहीं सीखा था वो सीख पाए. आई एम सोबियस मी फ्रॉम क्लास 9th. आई एम फ्रॉम BMS टंगडार. आज हमारे स्कूल ढाई साल के बाद खुले हैं. हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स से मिले हैं और अपने टीचर से मिले हैं. हमें ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क का प्रॉब्लम था और डाउट्स हमारे क्लियर नहीं होते थे. मैं वाजिद सलीम, साइंस टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल टंगडार. जैसा कि आप लोग जानते हो कल से स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है. हमने कल बच्चों को वेलकम किया और कल से हमारा आज जो रोल है वो लगभग 30% कल से इंक्रीज़ हो गया है. तो आज जो हमारी अटेंडेंस है 19th क्लास की जो है वो 70% हो चुकी है और बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं क्योंकि लास्ट दो ईयर से जो है कोविड था. कोविड की वजह से जो स्कूलों के अंदर ये डिस्टर्बेंस पैदा हुई, हालांकि ऑनलाइन था लेकिन जब हमने बच्चों से इंटरेक्शन की, हमने बच्चों से बात की कि आप ऑनलाइन जब हम पढ़ाते थे तो बहुत सारे बच्चों का ये समझना था कि डाउट्स क्लियर नहीं होते थे क्योंकि डायरेक्ट आपकी इंटरेक्शन टीचर से नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बच्चे वो काम तो करते थे. आज बच्चे बहुत खुश हैं और उससे पहले भी यहाँ पर जो हमारा इलाका है ये बॉर्डर इलाका है और यहाँ पर जानते हो जहाँ शेलिंग वेलिंग का भी चक्कर था, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जब से ये अमन हो गया, शेलिंग की बंद हुई है, तब से यहाँ बड़ा अमन का माहौल है. और हम दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल हमारा पूरा लगे. जो भी हमारे बच्चों में कमियां दो ढाई साल की आई हुई हैं, हम पूरा जो स्टाफ है हम पूरी कोशिश करेंगे वो कमियां जो है वो कम हों. ऑन द बिहाफ ऑफ टीचिंग फैकल्टी आई एम फर्स्टली थैंकफुल टू द हायर अथॉरिटीज़ फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ टाइम. इट इज़ सेड दैट अ टीचर लिव्स अमंग द स्माइलिंग फेसेस. हम सुनते थे ऐसा बट यस्टरडे इट वॉज प्रूव्ड. जब हमने स्टूडेंट्स को देखा एक लंबे टाइम के बाद दे वर हेयर टू अटेंड द क्लासेज. एक्चुअली वी कैन से नो क्लासरूम टीचिंग, नो टीचिंग प्रैक्टिस कैन रिप्लेस द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिस. ये हमने देखा जब हम क्लासेस लेते थे थ्रू ऑनलाइन मोड. ऑनलाइन मोड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग में होता है. हमारे स्टूडेंट्स उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे. मैंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी जब पेरेंट्स से ये बात होती थी कि मैंने अपना छोटा फ़ोन लिया और अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन्स लेके दिए. ये सब जबकि हमारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के वो इतने इकोनॉमिकली साउंड नहीं है कि वो सब बच्चों के लिए. अब फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली में दो या तीन बच्चे हैं तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन पेरेंट्स ने ऐसा किया. अब उन्होंने कैसे किया होगा ये वही जानते हैं. मोर ओवर जो हमारे यहाँ की बैकग्राउंड है, जो हमारे यहाँ की टोपोग्राफी है या फिर जो बॉर्डर सिचुएशन है, बॉर्डर सिचुएशन में क्या था, हम देखते थे यहाँ पे कभी भी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो जाती थी. कई बार ऐसा देखा यहाँ पे क्लासरूम टेस्ट चल रहा है या फिर कभी एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पे शेलिंग हुई. एक बार शेलिंग होती है तो कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स को कई दिन स्कूल आने का मन नहीं करता है या फिर स्कूल आके भी क्लासरूम बैठे हुए भी हमारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो बाहर की तरफ देखते थे कब शेलिंग हो जाए हमें बाहर भागना पड़े. बच्चे का ध्यान अंदर कम और बाहर ज़्यादा होता था कि हम खुद को कैसे बचाएंगे. नाउ होप फॉर द बेस्ट. आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द विश कि आने वाला जो टाइम हो वो पैंडेमिक फ्री हो, वो शेलिंग फ्री हो, ताकि हमारे स्टूडेंट्स अच्छा कर सकें. एंड आई विश और स्टूडेंट्स कैन अचीव.